18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी। 18वें अध्याय का महात्म्य सुने। समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदो, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक से सुख भोग दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि है लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता है।